शूट के बारे में बताइए, फोटो शूट हो रहा है तो आपने यही लोकेशन क्यों चुना? ओके, मैंने बहुत सुना हुआ था द रिसॉर्ट और मर आइलैंड जैसी ब्यूटीफुल जगह है मुंबई में, तो उसको एक्सप्लोर भी करना था मुझे. सॉरी, ओह सॉरी, उधर ही देख के बात, उधर की उधर. ओके, दोनों जगह का ऑफ है ना, इधर है ना उधर है. ओके अगेन, जी मैंने मर आइलैंड के बारे में, ऑब्वियसली मुंबई का की सबसे खूबसूरत जगह है और मुझे बीचेस बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है, नेचर से मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे लगा कि आई वांट अ वेरी क्वाइट प्लेस जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ अपनी और कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाएँ हम लोग नया. सो आई वांटेड टू मिक्स लाइक कुछ फ्यूजन विच इज़ सेमी इंडियन एंड सेमी वेस्टर्न मिक्स्ड विद नेचर. सो इमेजिन क्या बन के आएगा. सो वो मेरा आइडिया है एंड लेट्स सी कितना सक्सीड होते हैं. वी ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल बट क्लासी एंड नेचुरल. पी से पीएम तक और अब ये लाल रंग. जी, ये लाल रंग के बारे में कुछ बताइए, मूल के बारे में. जी जी, डेफिनेटली आप लोग पी से पीएम तक में बहुत साथ दिया आप लोगों ने, मेरी पहली फिल्म थी और अब ये लाल रंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी, मेरा बहुत ही क्रूशल रोल है फिल्म में, वेरी वेरी इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसकी वजह से काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं फिल्म में. और ऑफ कोर्स मैं रणदीप हुडा के साथ काम कर रही हूँ, सो आई फील रियली ब्लेस्ड दैट उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. द मूवीज़ कम आउट रियली वेल एंड सॉन्ग्स आर फैंटास्टिक और अवेटिंग फॉर द रिलीज. So this is just the beginning. I mean, we're just gearing up for it. How was the experience working with Yeh Laal Rang? बहुत अच्छा था. अफजाल सैयद अहमद अफजाल जिन्होंने यंगिस्तान पहले बनाई थी, अभी ये लाल रंग उनकी भी सेकेंड फिल्म है और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, उन्हें अपना काम बहुत बखूबी आता है. प्लस इट्स अ ग्रेट टीम, रणदीप सैयद अहमद अक्षय ओबरॉय, एवरीबडी, देर वेरी गुड एक्टर्स एंड देर ऑल दी अदर थिएटर एक्टर्स इन द फिल्म जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, लाइक लिटरली देव पुट देर ब्लड टुगेदर टू मेक दिस फिल्म वर्क. एंड आपको पता है ये लाल रंग, इट्स ऑन ब्लड माफिया, सो सबका खून बहा इस फिल्म में. कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी मेमोरीज हैं इनफैक्ट फिल्म के साथ तो, बट मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट तो बिगिनिंग आई वॉज मेरा जो एक्साइटमेंट था ना. रणदीप इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मतलब जिनको हम, मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी मैं उनको तब से देख रही हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था. आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. प्लस यू नो इट वॉज अ मेजर डिफरेंस ऑफ व्हाट आई हैव डन इन पी से पी एम तक, वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल. यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल लड़की का रोल है, शी इज़ अ डॉक्टर, सो बहुत अलग तरह का किरदार निभाने को मिला है मुझे इस फिल्म में. एंड इट्स अ ग्रेट टीम आई मस्ट से, एंड ऑफ कोर्स रणदीप इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म एंड आई एम गेटिंग टू वर्क विद हिम. दैट वाज माय द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द फिल्म. व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म, लाइक व्हाई पीपल शुड वॉच दिस मूवी? यूएसपी, एवरीथिंग इज अ यूएसपी ऑफ द फिल्म. वेरी इंटरेस्टिंग फेसेस, ग्रेट स्टोरी, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट म्यूजिक, एंड उसके अलावा ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड आउट है जो 2002 करनाल में हरियाणा में हुआ था. सो ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है. वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो करोड़ों लोगों को शायद एहसास भी नहीं है उस चीज़ का जो चीज़ हुई है, और वो उसने बहुत लोगों को हिला दिया था उस एरिया के. सो वो एक इंसिडेंट है जो आना चाहिए. वो इस एंटरटेनिंग वे में लाना वाज नॉट इजी, व्हिच ऑफ कोर्स अफजाल हैज डन इट. फ्रॉम साउथ नाउ इनटू बॉलीवुड, सो हाउ वाज द जर्नी? इट्स अ ग्रेट जर्नी. ऑफ कोर्स मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, हिंदी इज माई हार्ट, बट मैंने साउथ में बहुत सीखा है, वहीं से मैंने बिगनिंग की और ये मेरा बहुत थॉटफुल डिसीजन था. मैं चाहती थी कि मैं हिंदी करूँ पर थोड़ा सीख कर करूँ, थोड़ा मेरा कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो मैं चाहती थी सीख कर. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला साउथ में, मैंने बहुत कुछ सीखा. आई हैव ग्रूम्ड अप इन एवरी वे एज एन एक्टर, एज अ गर्ल, तो वो सब एक्सपोजर जो मुझे मिला है उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर. मुझे ऐसा नयापन नहीं लगता है, मुझे बहुत चीज़ें मालूम है, तो मैं एटलीस्ट जो लोग
यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, मैंने स्पेशली जिन लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे बहुत आई फील रियली कम्फर्टेबल. तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया मेरी लाइफ में साउथ ने, मुझे ट्रेन करके. फिलहाल कौन कौन सी मूवी कर रहे हैं? फिलहाल तो ये लाल रंग है, वी आर अंडर टॉक्स विद अ लॉट ऑफ फिल्म्स, बट वही आपको मालूम है जब तक वो लोग नहीं अनाउंस करते मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ. आई एम इन टॉक्स विद कपल ऑफ वेरी गुड फिल्म्स. अगेन आई विल ऑलवेज ट्राई एंड टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल्स, कुछ नया करने की कोशिश करूँगी हर फिल्म में, और मेरी वही कोशिश हमेशा साउथ में भी रही है, साउथ में करती रहूँगी. वो मेरी क्या बोलेंगे, मतलब उस वहाँ से मैंने बिगनिंग की है, तो मैं अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ती हूँ. तो वहाँ से मैं सीख कर आई हूँ, तो आई विल ऑलवेज कंटिन्यू वर्किंग. बट यस, मुझे हिंदी में मेरी आत्मा बसती है, तो अब टाइम आ गया जब मैं हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में कर सकूँ. होली से अप्रोचिंग, सो मैसेज टू योर फैंस. ओह माय गॉड, होली, आई लव कलर्स एंड होली मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल होता था, बट लास्ट 2-3 साल में कभी होली में बॉम्बे में थी नहीं, बट इस साल हूँ. मैं जम के होली खेलती हूँ खूब, वो रेन डांस भी करती हूँ, कलर्स भी लगाती हूँ, यू नो आई डू एवरीथिंग पॉसिबल. आई बिकम लाइक अ ब्रैट ऑन होली, एंड आई थिंक दैट्स द वे टू एंजॉय होली, जस्ट यू कैन बिकम लाइक अ 6-year-old ऑन दैट डे, एंड सब माफ़ है. तो यू नो, खूब खाओ और इन्जॉय करो, मस्ती करो, डांस करो. इट्स अ डे ऑफ कलर्स एंड फन. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. थैंक्स फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन.